औद्योगिक नगरी पीथमपुर में जयस और भीम आर्मी के द्वारा क्रांति सूर्य धरती आवा बिरसा मुंडा जी की जयंती जयनगर में शीतला माता प्रांगण में मनाई गई। इस अवसर पर सर्वप्रथम बिरसा मुंडा टंट्या मामा एवं संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर दीप जलाकर शुरुआत की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि गोंडवाना गणतंत्र समाज सेवी समिति के अध्यक्ष शंकर मारावी, विशेष अतिथि समता सेना के संस्थापक जीवन राज द्रविड़ और प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल राठौर थे। इस अवसर पर झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश के आदिवासी रंगारंग लोक नृत्य की प्रस्तुति की गई। मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में कहा कि आदिवासी समाज को संवैधानिक होना चाहिए, समाज को शिक्षा की ओर बढ़ना चाहिए। पीथमपुर से संजय सुनगरा की रिपोर्ट। पीथमपुर में सभी वर्कर लेबर क्वालिटी के लोग हैं। पूर्व वक्ता ने एक बात बोली थी कि बाबा साहब को मानते नहीं। भाई साहब कैसे नहीं मानते, मैं उनको बताना चाहता हूँ बाबा साहब अम्बेडकर को कैसा नहीं मानते है। अभी अभी एक हमारे देश का महापर्व गया, दिवाली महापर्व मनाते हैं हम भारत को, बड़े उत्सव उत्साह से मनाते हैं हम लोग दीपोत्सव दीपावली के रूप में। उसके पूर्व में सभी फैक्ट्री मालिकों के द्वारा एक बोनस दिया जाता है, वो बोनस सभी कर्मचारियों के घरों में जाता है, चाहे महिला हो या पुरुष हो। वो बोनस अगर किसी की देन है तो वो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की देन है, वो बोनस उसी बदौलत आपके घरों में आता है, ये बात आपको जानकारी में रखना चाहिए। 27 नवंबर 1942 को सातवीं सेशन वाइसराय कमेटी में निर्णय लिया गया था कि जितने भी भारत के मजदूर है, लेबर है, वर्कर है, उनको बोनस, पीएफ, जितने भी लेबर लॉ है वो 1942 को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की कमेटी में ये हुआ था। इसीलिए आप बाबा साहब अंबेडकर को आपको मानना है, अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से मानना है। क्या हम लोग हमारे माँ बाप माँ से प्रेम नहीं करते? क्या हम हमारे पत्नी से प्रेम नहीं करते? क्या हमारे बेटी से हम प्रेम नहीं करते? निश्चित ही हम हमारे माँ का सम्मान करते, बहन का सम्मान करते, बेटी का सम्मान करते हैं। मैं आपको आज ये बात बताना चाहता हूँ, देश का पहला कानून मंत्री था डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी, महिलाओं के समान तरह हक अधिकार के लिए अपने पद से इस्तीफा दिया था कि इस बात के लिए सिर्फ वो बात पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल इन्होंने मान्य नहीं करी थी, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया था। अगर आप भारत के सभी महिलाओं को अगर आप हक अधिकार नहीं देते तो मैं सत्ता में नहीं रहूंगा, मुझे ऐसा मंत्री पद नहीं चाहिए। इसीलिए अगले सेशन में बाबा साहब को मना के बिल पास करा और भारत की चाहे किसी भी धर्म की हो, किसी भी समाज की नारी हो, किसी की बहन बेटी हो, उसको समान अधिकार दिया, वो भारत की बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान की देन है। इस बात को भी आपको नहीं नकारना चाहिए साथियों। मैं अंत में, हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।